वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको करते हैं फ्राई। डीप फ्राई हम नहीं करते। और करेले जो हैं बहुत ही मजे के पीछे बने थे, तो इसलिए हमने बनवा लिए हैं दोबारा। मैं आपको यहाँ पे जो है पजल का स्टेटस बताती हूँ। गाइस, ये जो है ये साइड पे ये मुझे पजल्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने अभी जो है वो बाजी से पूछा, तो उन्होंने जो है ये जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा मैंने बनाया था, ये वाले मुझे नहीं मिल रहे थे, तो ये साथ उन्होंने जोड़ दिया है। और ये सारा जो है ऊपर वाला ये मैंने जोड़ा है। ये थोड़ा सा लैदा हो गया, इसको साथ लगा देते हैं। ये ना असल में नीचे जो चार्ट है ना, वो थोड़ा सा उतरा फुतरा है, जिसकी वजह से जो है ना ये सारे पीसेस जो हैं वो हो जाते हैं। अभी मैं जोड़ दूंगी दिखाने के बाद आप लोगों को। और बाकी ये जो है ये भी देखें, ये भी जोड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जुड़ने वाली हैं, लेकिन जो अभी तक हुआ है वो ये है, ये देखें। तो अभी शाम हो गई है तो हम चाय पीने लगे हैं। अभी जो है वो खाना खाया था, लेकिन जो है वो मामा ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने वाटरमेलन खाया हुआ था, तो कहती नहीं खाना मैंने अभी। तो जो मामा का आधा पराठा था वो भी मैंने खा लिया, मतलब मैंने 1.5 पराठा खा लिया। तो मैं जितना कोशिश करती हूँ ना कि मैं पराठों से दूर रहूँ, क्योंकि ना जो है ये मेरा जो पेट है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो है मेंटेन रहे, वो अंदर थोड़ा हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर बंदा करता रहे ना, तो उससे ये होता है कि, क्योंकि पहले मैं कर रही थी ये चीज़ ना, कि इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रही थी और जो है ये चीज़ें नहीं खा रही थी, क्योंकि मैंने चाय में भी चीनी छोड़ी हुई है और पहले मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी। तो अब मैं जो हूँ एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पराठा वगैरह, क्योंकि मैं अक्सर दिल करता है कुछ चीज़ों के साथ खाने को, तो फिर वीक में जो है जहाँ पे मैं पहले 2 वीक्स में 1 खाती थी, वहाँ पे 1 वीक में 2 दफ़ा भी हो जाता है खा, तो इस वजह से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करूँ, ये भी आप लोग बताएं, अगर कोई ऐसा कोई चीज़ है, क्योंकि पहले कंट्रोल हो रहा था, आप पता नहीं क्यों कंट्रोल ही नहीं होता। मैंने आपको बताना था, ये देखें ये माचिस पड़ी हुई है ना, ये माचिस, ये हम जो है ये रखते हैं ड्रॉर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम पहले जो है वो इसके अंदर जब रखते थे ना, तो जो मग्गू साहिब है ना, वो इसका जो ये वाली चीज़ होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली, इसको जो है वो खाता है। तो मामा कहती है पॉइजन होती है, कोई ना कोई चीज़ तो इसके अंदर ऐसी होती होगी ना जिससे आग जलती है, तो जो है वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो कहती है कि इससे दूर रखा करो। तो फिर हमने जो है इसको ये ड्रॉर में रखना शुरू कर दिया, ताकि जो है मग्गू ऐसा ना कर सके। और दूसरा, ये जो है हमने अंदर पत्थर रखे हुए हैं, ये इसको पकड़ के ना, इसको पूरे को नीचे भी गिरा देता था, तो अब हमने पत्थर रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ना तीलियों को भी नहीं लेता। और यहाँ पे चाय हो रही है हमारी रेडी। मैं थोड़ी सी जो आँच है वो हल्की कर देती हूँ, ताकि गिरे ना। और हमारा ना जो वॉशरूम है उसकी जो टैप है ना, वो फ्री हो गया था, उसका जो जहाँ से घुमाते हैं वो फ्री हो गया था, तो उसकी वजह से जो है वो हमने प्लम्बर को बुलाया हुआ है, मामा वहाँ पे गई हुई हैं, तो वो जो है वो अभी ठीक उसको कर देंगे। मामा ने नीचे से जो होता है ना पीछे से पानी का कनेक्शन बंद किया हुआ है वॉशरूम का, ताकि जो है वो टैप का पानी गिरे ना। अभी आप लोगों को चाय जो है वो बहुत वाइट नज़र आ रही होगी, लेकिन जो है ना वो लाइट की वजह से ऐसे हो रहा है, अदरवाइज ये वाइट नहीं है, बिल्कुल ऐसी है जैसे चाय होती है, मतलब सही पक गई हुई है। थोड़ी सी और पकेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखें, अब देखें, क्योंकि अब लाइट नहीं है, तो थोड़ा चेक करें। डालते हैं चाय, मैंने मामा की जो चाय है उसमें चीनी डाल दी है। और अब अपनी डालती हूँ। चाय में चीनी नहीं होती, जैसे आपको बताया मैंने, तो भाई जो हैं वो चले गए हैं, कहते हैं मैंने चाय पी ली है,
तो इसलिए चाय बच गई है। बाद में जो है वो अभी मैं ढक देती हूँ और देखती हूँ, बाद में फिर हम पी लेंगे। और ग्लव्स, हमेशा ग्लव्स पहन के जो है वो काम करें, ताकि आपको ये गर्म होता है गर्म ना लगे। कोई भी चीज़ डालें तो ये वाले जो ग्लव्स हैं ये पहन कर फिर जो है वो ब्रेड करें, क्योंकि फिर बहुत नुकसान हो सकता है या आपको गरम गरम हाथ पे लग जाए। 2 कप। और आप लोग कह रहे होंगे पहले मैंने कहा था कि भाई चले गए हैं, तो 2 कप, 1 की जगह 2 कप कैसे हो गए हैं? तो ये सीन ये है कि वो ना एक अंकल हैं जो उन प्लम्बर भाई को जो है वो लेकर आए हैं। तो वो जो अंकल हैं वो बहुत ही, जब से मैं स्कूल जा रही थी तब से हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स, आप समझ लें कि वो हैं। क्योंकि उनकी जो बेटी है, मैं आपको किस्सा जो है वो बाद में बताऊंगी, तो आपने स्टे ट्यून रहना है ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं। क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि चाय की तरफ करके मैं ये सर्व करके चाय फिर आप लोगों की तरफ आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब मैं अभी जो है वो चाय सर्व करके आई हूँ। तो ये ना एक बाजी थी, इनकी जो बेटी है ना, हम ना एक ही वैन में आते होते थे, क्योंकि घर हमारे करीब करीब है तो एक ही वैन में आते थे। मैं कोई प्रेप या वन में होंगी तो उस टाइम ना ये मुझे ना ड्रॉप करने आती थी यहाँ तक, मतलब तीन चार घर छोड़ के हमारा घर है, डिस्टेंस इतना है, तो वो मुझे छोड़ने आती होती थी यहाँ पे। क्योंकि जो गली के बिल्कुल जो है ना पीछे, मतलब गली जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे ही जो वैन थी ना वो छोड़ देती थी, तो वो रोज़ छोड़ने आती थी। तो मामा कहती थी कि वहाँ पे वैन खड़ी होती है तो तुम कैसे आती हो? तो फिर मैं बताती थी कि वो बाजी जो है ना वो मुझे छोड़ने आई हैं। तो मामा कहती चलो कल ना उन बाजी को अंदर लेके आना। तो जैसे पेरेंट्स को होता है कि हम देखें कि कौन सी बाजी छोड़ने आती हैं, तो फिर जो है ना वो मामा उनसे मिली। और ऐसे ही 1 दिन 2 दिन ऐसे मिलते मिलते जो है ना वो ऐसे फैमिली मेम्बर्स बन गए, घूमना फिरना साथ और जो है एक दूसरे के घर जाना। तब ना पापा भी थे, और पापा के बाद भी फिर हम मिलते रहे, और ऐसे आज तक जो है वो बहुत टाइम हो गया है कि हम मिलते रहते हैं। और यही अभी जो है प्लम्बर लेके आए हैं, तो अभी जो है वो करेंगे ठीक भाई, पता नहीं आज करेंगे या कल करेंगे, लेकिन वो अभी लेकर आए हैं उनको ना, क्योंकि पहले वो अलहदा आए थे और अब वो अंकल के साथ आए हैं, तो इसलिए मैंने चाय जो है वो सर्व किया। वो बैठे हुए हैं तो अभी वो देखेंगे अब टैप को ना। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आगे जो है और व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत ही मज़े मज़े के, तो उसके लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो है शेयर भी कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और जो है वो नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि आपको सारे हमारे जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो मिलते रहें और आप बहुत ज़्यादा उसको जो है इंजॉय कर सकें। तो जो है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और कौन कौन से व्लॉग्स हम और लेके आएं, एडिशन कौन कौन से करें, क्योंकि डेली व्लॉग्स बनाने में जो है वो आप लोगों की जो है हेल्प चाहिए होती है, और आप लोग जब बताएंगे ये कौन कौन से हम व्लॉग्स लेकर आएं तो वो हम ज़रूर लेके आएंगे। तो ओके, खुदा हाफिज़।